हमने कल केसेस ऑफ कंक्यूमिनल पढ़े कि नहीं, और हमने देखा कि जब हमने, चलो एक चार्ट बनाते हैं पहले। चार्ट कुछ ऐसा था, ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन। ऑब्जेक्ट का छुट इमेज का अच्छा बना। ऑब्जेक्ट जब था बेटा इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पे बनी थी? फोकस। समझना मेरी बात, इशू इंपॉर्टेंट का, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। जब ऑब्जेक्ट आया बियॉन्ड सी, यस, तब इमेज कहां बनी? बिटवीन, शाबाश, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। जब ऑब्जेक्ट आया एट सी, तब इमेज एट सी ही बनी, यस। जब ऑब्जेक्ट आया बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, तब इमेज कहां पे बनी? बियॉन्ड सी। एंड जब आपका ऑब्जेक्ट एट एफ आ गया, तब इन्फिनिटी पे आ गई। एंड फाइनली जब हमने बिटवीन सी एंड एफ बोला, एफ एंड पी, पी एंड एफ, तब आपका बना बिहाइंड द मिरर। चल ठीक, अब थोड़ा सा ट्रेंड देखो इसमें। यूसी पॉन वन करान कंप्लीमेंट ईच अदर, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट सी, एट सी। समझ गए ना? समझ गए। तो क्वेश्चन एक आता है एंट्रेंस में, क्वेश्चन क्या शो, क्वेश्चन इज द पांच जिगर, अगर हमारे पास दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द फोकस विद अ वेलोसिटी वी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली प्लेन, ये जो कॉन्केव मिरर है, ये इसकी इमेज बना रहा है ना। तो सवाल आता है कि जो इमेज बन रही है इसकी, इट विल मूव विद, नंबर फर्स्ट, सेम वेलोसिटी, सेकेंड, फास्टर इन द बिगिनिंग एंड स्लोअर इन द लेटर आवर्स, थर्ड, स्लोअर इन द बिगिनिंग एंड फास्टर इन द लेटर आवर्स, चौथा, इट विल मूव इधर, नन ऑफ दीज। शाबाश, समझ, क्वेश्चन आ गया। इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट इज, इट हैज टू गो टू द फोकस। सवाल श्रीवान कि विद विच वेलोसिटी विल इट्स इमेज मूव, विल इट मूव विद द सेम वेलोसिटी वी, विल इट मूव विद, विल इट मूव विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, दैट इज फास्टर इन द बिगिनिंग एंड एंड पे स्लोअर, या स्लोअर पहले और एंड पे तेज। शाबाश, सोच के बताओ, सोच के, कॉन्सेप्ट्स आपके पास है, तो बना अगले कन के मिरर अलग, तो मैं तरीके से समझ। अगर ये बात इसने प्लेन मिरर के लिए की होती तो सेम, तो इमेज सेम वेलोसिटी वाली, हमने परसों ही पढ़ा ना। नहीं, सो वे रिलेटिव, मगर इमेज ना विद द सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो सेम वेलोसिटी टुवर्ड्स आएगी, माइनस है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी डबल्ड। वो कब? जब मिरर चलेगा, जब जब मिरर रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट चल रहा है, इमेज भी उसी वेलोसिटी से आएगी। लेकिन फिर मैंने एक बार ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा और मिरर को चलाया उधर उधर, तब हमने देखा इमेज डबल आएगी वेलोसिटी से, ठीक है। यू गो फोकस, पता क्या सुना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दी गो इंफिनिटी। सोचो मतलब की जो कांसेप्ट इस्तेमाल, फोन अ फ्रेंड, करो फोन अ फ्रेंड, करो फोन अ फ्रेंड, कॉल दिस फ्रेंड, करो करो फोन अ फ्रेंड, जिना इन्फिनिटी टू फोकस, इसको क्या क्या मरहले कवर करने हैं? इन्फिनिटी टू पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस, यस। इन्फिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज को बेटा शिफ्ट कहां से कहां होना है? इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी को कवर कर,
हाँ, से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इमेज को शिफ्ट होना है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, समझना मेरी बात। इन्फिनिटी का क्या दूर है, वो डिस्टेंस कवर करनी है ऑब्जेक्ट को, लेकिन इमेज को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उतने ही टाइम में, और सिर्फ इतनी। तो इमेज तेज चलेगी क्या आहिस्ते चलेगी, आहिस्ते चलेगी, समझ गए सब, उतना ही टाइम है ना इसके पास। अब जब आपका ऑब्जेक्ट सी से लेकर एफ तक जाएगा, ऑब्जेक्ट को इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन इमेज को पहले बियॉन्ड सी जाना है फिर इन्फिनिटी तक जाना है, खबर समझ उतरा। तब इमेज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी इफेक्टिवली, इट विल मूव स्लोअर इन द बिगिनिंग एंड एट सी, एट जब ऑब्जेक्ट सी पे ही होगा द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है समझ गए। एंड इन जनरल द एक्सप्रेशन इज दैट वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होल स्क्वायर इन टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी बाई यू क्या हो, इट इज द इमेज डिस्टेंस एंड इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ गए। लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स फोकस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम तती वाला, क्या बोल दो नेचर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, then शाबाश क्या कह रहा हूं, the image will move from will move शाबाश slower in the beginning and faster towards the end, it teaches reason, samajh aa gaya, this is due to the reason that when object shifts from infinity to center of curvature, the image has to shift from focus to see, ठीक है ना, ठीक है। और ये बहुत कम डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस, अब इतने ही टाइम में इसको कवर करो तो इसको आहिस्ते चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स फ्रॉम सी टू एफ, द इमेज हैज टू शिफ्ट फ्रॉम शाबाश सी टू इन्फिनिटी, क्लियर। अच्छा एंड इन जनरल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द वेलोसिटी ऑफ द इमेज शाबाश विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सेंटर ऑफ यू उसकी सब बात फर्क है उसको, उनकी बड़ी मुद्दे में केमिस्ट्री भी है। ये फॉर इशू रिकॉर्ड में हां चलो करेंगे, मीटर भी सेम मीटर से कसा मीटर से कसा विल बी सेम क्या, एंड एट सी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किसने एक्सप्रेशन देखो, एट सी वी इज इक्वल टू यू, इमेज डिस्टेंस भी वही होती है जो ऑब्जेक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, v is equal to u, खत्म, मतलब v velocity of image is equal to velocity of object at c, लेकिन ठीक है ना, और जनरल एक्सप्रेशन ये लिख के रहा, where v is the image distance and u is the object distance, अब माइनस क्यों है कोई बताएगा, opposite हाँ शाबाश, तू क्या इस तरह कर रही है, वैसे कभी लगता है induce कहते क्या इस तरह किया चमोनी कर दो image
a clear chance. V go image distance, U go object distance. V O go velocity of object and V I is the velocity of image. Clear? ठीक है. चलिए अब कुछ derivations हैं. Next derivation that we are going to study is the mirror formula. अच्छा मैंने आपको कल एक सवाल किया था, मैं उससे तो पूछ कैन कन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज कब जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तब बना सकता है. ठीक है नाउ सी वो डेरिवेशन नंबर फर्स्ट थी ना पहली. ओके नाउ द डेरिवेशन नंबर सेकंड फॉर ऑप्टिक्स इट इज द मिरर फॉर्मूला. Now, mirror formula is simply a relationship between the image distance, the object distance and the focal length of the mirror. ठीक है? Now, in case of concave mirror, पहले ये समझो. Concave mirror में अगर हम sign convention इस्तेमाल करें, say for example, आपने object यहाँ पे रख दिया. Concave mirror sheet, ठीक है? Concave mirror में अगर आप object distance measure करना चाहेंगे, वो positive आएगी कि negative? हमेशा negative होगी. क्यों? We have to measure from the pole and you are going against the direction of the incidence. ठीक? यानी कि U in case of concave mirror छोसन negative. What about the image? Image भी यहीं से बनती है except in this case. Otherwise यहीं से image बनती है कहीं पे. तो यहाँ से अगर image बन रही है सीधी सी बात है V will also be negative. And of course what about the focal length? Negative. So छह ही negative. ठीक सर. तो sign convention जो कर question में दिया गया होगा कभी the object distance in case of a concave mirror is 30 centimeters. लेकिन जब आप इस्तेमाल करोगे आप 30 ना लिखोगे माइनस 30 लिखोगे. ठीक है अब ये मुझे इस्तेमाल करना है. नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ इन केस ऑफ अ कॉनकेव इन केस ऑफ मिरर्स इज दिस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ. ठीक है वेयर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ. तैयार करन को जरा आसान है कोशिश कर लो. चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ. ये डायग्राम बात है कोशिश कर लेते हैं. सी दिस इज द कॉनकेव मिरर. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. This is the focus and this is the center of curvature. ठीक है अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं बियॉन्ड सी एट द ऑब्जेक्ट बी ए बी हियर. ठीक है नाउ रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो एवरी रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. यस और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाए चलो फोकस वाली को छोड़ दो ऐसे जाएगी टू द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास सिमेट्रिकली यानी कि ये बनना चाहिए इधर कहीं पे. ठीक है दिस इज द इमेज एंड ये इनवर्टेड है ए डैश यहां बी डैश यहां. ठीक है ओके अगर मैं यहां से दिस पॉइंट इज के अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑब्वियस सी बात है दिस इज पी डैश. ठीक है ना दिस इज आई एंड दिस इज आर. यस बेमन शुक्र ये रेडाग्राम के आसपास ये इधर है रेडाग्राम में प्लीज ये आप कंफर्म करके चलें कि आपको ये ना ये पॉइंट्स वगैरह सही आने चाहिए और हमेशा एरोज के बगैर कोई भी रेडाग्राम नहीं बनाएंगे आप. ठीक है सबको क्लियर है डायग्राम. चलिए बेटा मैं दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं ये मैंने एक केस लिया है कॉनकेव मिरर का कौन सा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है मैं पहली बात मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी डैश पी डैश ना पी या पी पी डैश नहीं है पी इन ट्रायंगल कुछ कुछ A, B, P and triangle कुछ A dash, B dash and A dash, B dash and P. ठीक है
सबसे पहली बात, आप ये मानते हैं कि I इज इक्वल टू आर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है? ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश, ठीक है? Each 90, यस? Therefore, आपने क्लास 10th में ट्राइंगल्स पढ़े थे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, आप क्राइटेरिया उसके, आप कोरोलरी उस रास्ते में क्या होता था वहाँ? A A कोरोलरी, तो क्या होता ना? Therefore, हाँ, by A A कोरोलरी क्या? These two triangles are similar, चुना? Triangle शाबाश A B P is similar to triangle on A dash B dash and P. Now, when you have got similar triangles, तो जो क्राइटेरिया शाबाश The ratio of their corresponding sides is same. ठीक है, that is, therefore, which implies I can say that. अगर मैं यहां से AB लूं, AB, तो बेटा यहां से corresponding क्या लेना मुझे? A dash B dash. Yes. ठीक है ना? वो किसके बराबर आएगा? हाँ. अगर मैं यहां से BP लूं, यहां से क्या लेना पड़ेगा फिर? B dash B. ठीक है ना? अब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इफ दिस, मैंने कहा था जितनी भी डेरिवेशन होती है वो उन रेज के लिए होती है जो पैराएक्सियल रेज होती है. अच्छा ठीक, पैराएक्सियल रेज के एतबार से समझना, ये ए बी है ना, ए बी कुछ समझ जा तेरे से, या ये ए के या से ना नजदीक, ये भी जो नजदीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अलाव आ ये दस नजदीक आ जाएगा, पहली चीज फॉर पैराएक्सियल रेज. और दूसरी चीज, ए बी के पी डैश के बराबर है, लेकिन मैं पी एंड पी डैश को क्या कर रहा हूं, ओवरलैप. ए बी के बदले मैं लिख सकता हूं के पी, लिख सकता हूं फॉर शाबाश पैराएक्सियल रेज. हाँ, क्या बोल रहा हूं, पी एंड पी डैश coincide, yes, which implies AB जो कि बराबर था KP dash को, हाँ, उसको मैं बोल सकता हूं ये बराबर है दरअसल KP को. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? Which implies अगर मैं ये रिजल्ट यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तेरे के लिए, AB के बदले मैं क्या लिखूंगा, KP divided by is equal to शाबाश BP divided by B dash. Call this first. ठीक शा? है मैं को रात के जुगाड़ उगाड़? जुगाड़ जुगाड़ इस वाल. पकी जाती तेरे पास. तो जुगाड़ था मैं इसे मैंने था मैं बढ़ने थी बोल दित. करूं करूं. मैं जो मगर खाना ये वैसे करूं कॉपी मैं नहीं पाता. इतना अच्छा तो था मालूम बराबर. मैं कहत क्या हूँ? कुछ उसने तारा, कुछ उसने लिखा, ये एक प्रिंटिंग प्रेस है जितना. ठीक है जरा उधर था. चलिए अब मैं नए दो ट्राइंगल, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल पहले सिलेक्ट किया था, ये बड़ा वाला ए बी, ये वाला और नीचे वाला बड़ा. ठीक, अब मैं दो छोटे ट्राइंगल दे रहा हूं, कौन सा देख लो. एक तो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ. इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल या क्या सिमेट्रिक है, के पी डैश एफ, के पी डैश एफ. ठीक है, सबसे पहली चीज ये देख ले, ये एंगल इस एंगल के बराबर है वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट. अच्छा, ये एंगल जो 90, मगर ये 90 परपेंडिकुलर है, तो अगेन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. क्या क्या बोलने, शाबाश. ए बी डैश में क्या है, ये वाला एंगल वन, ये एंगल
टू लिख दो, तो मैं बोल रहा हूं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है, एंड एंगल बी डैश इज इक्वल टू एंगल पी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, देयरफॉर अगेन बाय ए ए कॉरोलरी क्या हो रहा है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल के पी डैश एफ, और जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं अगेन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कुछ कुछ लिखो, इसमें मैं अगर लूंगा बी डैश एफ क्या लूंगा, तो उसमें क्या लेना है पी डैश एफ, पी डैश एफ, और अगर मैं इसमें लू ए डैश बी डैश कुछ क्या सुन दे के पी डैश, ठीक है ना, अगेन के पी डैश ए बी ठीक, या के पी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब देखो मैं यहां पर चलता हूं, विच इंप्लाइज बी डैश एफ था इतने डिवाइडेड बाई, यहां से क्या है पी डैश एफ इट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश भी ऐसे ही लिखता हूं, मगर के पी डैश के बदले में लिखू के पी, ठीक है, कॉल दिस सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट डू वी कंक्लूड, शाबाश, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हमें समझ आ रहा है, देखो समझो KP by A dash B dash छू बराबर BP by B dash P, मगर यहां पर आ रहा है KP नीचे और A dash B dash ऊपर, ठीक है ना, तलो पढ़ लेकुन तिलकुन गोड़ योर B dash F divided by P dash F it is equal to, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, सो B dash P divided by BP, B dash P divided by BP, ठीक है ना, यही आएगा। अब थोड़ा देख लें आप बी डैश एफ, सब एक ही डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस, यस, इसको मैं लिख सकता हूं एज पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी डैश एफ को डिस्टेंस है, समझना पी डैश एफ सुना असली पी एफ ही, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं पी डैश एफ के बदले पी एफ लिख रहा हूं ताकि डाउट ना रहे, ठीक, दैट इज इक्वल टू बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश से लेकर पी, तो ये तो जेन्युइन डिस्टेंस है एक बी डैश पी, बी पी कैश वो भी एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, उसको कोई इशू नहीं, कैन आई यूज साइन कन्वेंशन एंड आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बिलीव गॉट इट्स वैल्यूज कुछ कुछ यथ पेठ योर ताम, यह स्मॉल एफ यथ पेठ योत्ताम क्या शु बी, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, चलिए यूज द साइन कन्वेंशन एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर यूजिंग साइन कन्वेंशन, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश क्या देना है हमें माइनस माइनस पी एफ माइनस एफ, तो आएगा प्लस एफ यहां पर डिवाइड बाय पी एफ अगेन माइनस एफ ही लेना है, सुना इज इक्वल टू शाबाश बी डैश पी कच्ची बी डैश पी माइनस वी डिवाइडेड बाय शाबाश बी पी कैच बी पी माइनस, ठीक है बोलता हूं कॉपी करो पहले जल्दी करो जना कॉपी हद से शुक्रिया गारंटी हम बताओगे ना कि
अभी जल्दी अब आता है जी सिविल बायोलॉजी है फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा खा के हाँ तो इसने सिलेबस मगवाऊं अगर उनके सोए दिशु तो पर क्या शुना अब भाई बोलो मैं या बोलो सिविल सिविल प्रेजेंटेशन बनाने किसमें हुआ तो जी थी दीदी कहाँ थी वीडियो बनाना था आवाज डाली वीडियो में ठीक है फिर भी और कहीं नहीं डाली क्या मतलब वो वीडियो में आवाज डाली अच्छा इस समझा हम पता नहीं मां की बड़ को सारा चेहरे की शुक्सी ना खुदा पर मां शब बाबा ही सही तो पर अंग्रेज़ा अब तो तेरे को मंजा भी इसको नहीं रिकॉर्ड करने का तो मतलब नहीं सका तू टैलेंट सही टैलेंट यार आजाद रहे कातास की ये मिटाओ भी योर किस है ये जी मिटाओ ना तो गेम मेरा जिन टाइम ही होता ये यहाँ मिटाओ भी ये मैं समझ ये शुद्धि सुखे तब तो मैं मुझे कहता क्या समझ ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो तब तो करियो अगर करना नहीं आता बड़ा क्रॉस मल्टी शुम्मा कर अच्छा ना ऐडो कोर्टी पॉइंट बढ़ती You got minus UV plus UF is equal to minus FV. Conscious problem? No. Dividing both sides by UVF. Product है product. ठीक छा? सलामन क्या भाई? समझना. जब मैं यहां से करूंगा, ऐसे करना है ना. Minus UV plus UF. इधर भी UVF. इधर भी UVF और इधर भी शाबाश UVF वन कैंसिल क्या किया जाए वन मेरी पहले वाले केस में क्या कैंसिल होगा UV और इधर उधर माइनस वन बर F ये क्या कर सी कैंसिल UF UF के साथ प्लस वन बर इट इज इक्वल V FV और ये FV माइनस वन बर ये अपूर्त आर्थिंग ये अपूर्त आर्थिंग मकसद क्या आर्थिंग इधर ये और वन बाय यू प्लस वन बाय इट इज इक्वल शाबाश वन बाय दिस इज द मिरर फॉर्मूला इट इज वैलिड फॉर बोथ कन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव मिरर्स ठीक है बारिश है रहमत हुई पर सब काबिल मुबारक शाह इधर आई बनी जाए सो करी जल्दी करी जल्दी ये उस तो ये तो शायद टेंथ में जनरेशन नहीं 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 मैं पूछ रही हूँ अच्छा ये सिर्फ ये था टेंथ में ऐसी था आज भी नहीं किया चलो कोई बात मौसम कोई भी स्कोर या था क्योंकि खुद फॉर्मूला से लेकिन एलसीएम वगैरह निकाल के ना यूवी U plus V divided by UV is equal to 1 by F or F is equal to UV divided by U plus V. UV divided by U plus V is equal to F. Product by sum. Kit kahin? वैसे problem जो ना इसे तब पटेगा। तो ये को U plus V divided by UV मगर शायद 1 by F पर को तब पटेगी both sides. तो UV divided by U plus V ठीक है ओके कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है अब इस पे बहुत कुछ तो नहीं ग्राफ में ज़हर होगा और तो क्या ग्राफ ना थोड़ा सा हेचान चीन साइंस से मैं अपने बदी में डाउनगो पद्धति टीवी से पच्ची में डाउन योसेस मिटाऊं मिटाऊं नहीं तो दो आह तो हाँ तो योसेस में ऐसी थाम जैसा डाउट रहेगा हाय 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 ताजी में जज बात नहीं सीखी ना कर सब
मैं उस और इसी वजह से ना मैग्निफिकेशन की, चलो छोड़ो नए से बना दिया। चलो जिगर मुझे ग्राफ्स बता दो, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1 बाय यू एंड 1 बाय वी फॉर अ कॉनकेव मिरर सच दैट इट इज फॉर्मिंग अ रियल इमेज। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1 बाय यू एंड 1 बाय एफ फॉर अगेन अ कॉनकेव मिरर बट द कंडीशन इज दैट इट इज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। ठीक छे, ऑल्सो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, बिटवीन यू एंड वी फॉर अ कॉनकेव मिरर फॉर अ कॉनकेव मिरर फॉर अ रियल इमेज शोइंग रियल इमेज। And also plot a graph between, okay, M की बात तो बाद में करेंगे, पहले इतना करते हैं। शाबाश शाबाश, तो उसका भी सारी पॉइंट यूज़ करेंगे। नॉर्मल ग्राफ है। नॉर्मल? ग्राफ है। अन नॉर्मल आज के, देखिए जैसे अब नॉर्मल। सीधे तो लग रहा है, सुधर रहा है ठीक? मनी मनी शाबाश। Straight line. प्लस तुम त्राव दिम स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिन से नहीं पास होगी बीच जहां से पास भी डाल दो तोड़ दो ये दीवार हां मैं जो आता ही सुन पाना वाना ना अपने और आता ही सुन पाना वन मैरी शाबाश वन मार्शा वन ओबा अली त्राव जल्दी वे सोच जा आज के शिकार एक्सप्रेशन जी क्या इस कबिल आशु द्राय इना जिन करने की अल्लाह पाबस कुछ करना ही नहीं है दबा अभी जिन कर रही है के बरस तू जिन टैलेंट सुना तो वॉइस कल मुझे एक की मम्मा ने फोन किया तो बोल मेरे बेटे के होते हैं एग्जाम्स उन तो फिर इस बेटा की मम्मा क्या एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स मगर आई डू नॉट बिलीव सो जान दिखा ना कर यो नो सो आंटी आना जैसे पालर अच्छा सॉरी हालत ठीक है मिल को ना को और भी थी मैं आज पान बस तो क्या होता है सार दी होई तुम तो मत ऑनलाइन एग्जाम आज करो गूगल कॉपी पेस्ट सुत्रो गूगल में तदरा भूखी हूं क्वेश्चन नंबर दी आंसर है या भाई भी जल्दी यहाँ ग्राफ तो इधर वहीं चलो पहला ग्राफ मैं कब उठ गई पहला ग्राफ नाउ एक्सप्रेशन हमारे पास ये है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ है ना नाउ रियल इमेजेस के लिए यू एफ और वी तीनों नेगेटिव होते हैं अगर मैं तीनों को सब शूट नेगेटिव करूं तो मैं वापस कैंसिल एक्सप्रेशन ही वापस पॉजिटिव ही ना मतलब माइनस थ्री कुछ और माइनस कुछ और की भी माइनस इफेक्टिवली सारा यही वापस बनेगा है ना वन क्या चीज वाई एक्सिस पर प्लॉट करो वन बाय यू लेट दिस बी वाई तो अपोर तार दिंग वन बाय वी एगा वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय वी मगर माइनस प्लस वन बाय एफ समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है दिस इज वाई यहां से क्या हमने रखा एक्स टच रही समथिंग टाइम्स एक्स That is mx. Y is equal to? Slope catches. Negative. With intercept? 1 by f. Magar positive intercept? Here for the graph will be. Samajh gaya? Equal as you. Slope catches? Minus. Theek hai. What about? Ye kya issue? वर्चुअल ओके कल के मिरर का लेकिन वर्चुअल केस शाबाश पानी फिल करो वर्चुअल केस में क्या होता है वी पॉजिटिव होता है तब एक्सप्रेशन जब आएगी तब ये आएगी देखो 1 बाय माइनस यू
प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन बाय माइनस एफ। वाई कैसी थे यूएस पर वाई एक्सिस पर वन बाई यू। सो यहां पर हम ऐसे रख सकते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई माइनस, ठीक है ऐसे सेजर कर। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे वन बाई यू माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ, लिख सकता हूं। तो एक साइड पे है वन बाई वी और एक साइड पे क्या है तिरछा ग्राफ, इस पर वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई एफ, है ना। तो खुद हो गया ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई पॉजिटिव स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, देयरफॉर द ग्राफ विल बी समझ गए वन बाई एफ सी। मुझ फर्क क्या है ग्राफस, ग्राफ जी से कॉन्सेप्ट बदलो, ये रियल इमेज बेशी कल के मिल रस कर, क्लियर है समझ आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस यू एंड वी फॉर अ कॉनकेव मिरर रियल इमेज, यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव होता है, बताओ ग्राफ। रियल इमेज जो है रियल इमेज मुझे बताओ उसके लिए वी जो है वी वो या यू की बात अगर करेंगे रियल इमेज ना बनाने स्पेशल से रियल इमेज कार से बना जब आपका यू कम से कम फोकल लेंथ से ज्यादा होगा है ना, तो आप एफ से कम नहीं डाल सकते हो कंडीशन ना था तेरी हेड से पॉसिबल कैसे समझू मैं इनका। जो ग्राफ जो हमें रियल इमेज की बात करनी है अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं दिस इज पोल दिस इज फोकस तो दिस इज एफ स्मॉल एफ है ना। रियल इमेज बनती है इधर इधर की तरफ यहां से लेकर यहां तक वर्चुअल है तो हमें बात करनी है इस वाले से यहां से यू और यहां से वी की बात करनी है। तो कम से कम पहली एक बात कंफर्म है यू शुड बी ग्रेटर देन एफ, ऑब्वियसली बात है वी भी ग्रेटर देन एफ ही होगा सुमाइक देन कामित हमें कैसे सब पता है। देयरफॉर यू एंड वी स्टार्ट होंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एंड देयर मिनिमम क्राइटेरिया विल बी दैट वो एफ के बराबर हो एफ से कम ना हो क्योंकि एफ से कम हो गया तो वो तो फिर वर्चुअल इमेज बना देगा, ठीक है। दूसरी बात यू और वी एक वक्त पे बराबर होते हैं रियल इमेज के वक्त कब सेंटर कर्वेचर पे तब कितना होता है वी और वी का वैल्यू आर, यानी कि अगर ये एफ कम से कम हो सही चलिए टू एफ इधर टू एफ इधर टू एफ पे जो ये है उतना ये दोनों का वैल्यू सेम है बाकी जगहों पे क्या हो रहा होता है। अभी मैंने पहले ही जब मैंने चार्ट बना मैंने एक बात कही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करा कुछ जात कम गुक कम ज्यादा कम कम ज्यादा तो इसका मतलब कौन सा रिलेशनशिप इनवर्स है ना। और यहां से भी समझ आएगा यू शुड नॉट कॉन्स्टेंट, अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात इस टर्म को कम होना और अगर ये कम है तो इस टर्म को देयरफॉर द ग्राफ विल बी शाबाश इट हैज टू बी हाइपरबोला। क्या बोला समझ तो रहा रिलेशन बराबरी के इशू कॉन्सेप्ट अड़े से याद यू टी एच डी ग्राफ इधर हाइपरबोला पता है तुम वी उकुन पामत बस जंग आसमान कुन नारे तक भी सैयद के जू ओतरा ही गो बचो उसको ये दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस आंसर याद पता प्रैक्टिस कर रही सोल्यूशन एग्जाम इज माइन टू माई क्वेश्चन मुबारक इसलिए क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर रही रादर क्वेश्चन गोट प्रैक्टिस कर नीटस का ग्राउंड रिजल्ट ना ना नीटस इन नीट फैशन यार अच्छे थे बट नीट एंड क्लीन डाउट अबाउट नाउ वी गो टू द अदर डेरिवेशन करो घर पे प्लीज ऐसे ही ग्राफ्स डालने की कोशिश करना फॉर कन्वेक्स मिरर बना आपकी वर्चुअल इमेज यू